पितृपक्ष को लेकर देवघर के शिवगंगा सरोवर में अपने पिता के तर्पण के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। लंबे समय के बाद शिवगंगा में पितृपक्ष के बहाने ही सही पुरानी रौनकें लौटने लगी हैं और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पितृपक्ष में ऋषि तर्पण शनिवार से ही शुरू हो गया है। पहले दिन अगस्त ऋषि को काश के फूल के साथ कुश तिल फल के माध्यम से तर्पण कर पूर्वजों को प्रसन्न किया जा रहा है, जो 6 अक्टूबर गुरुवार अमावस्या तक चलेगा। इसमें पीतर के कुश तिल फल के माध्यम से तर्पण कर पूर्वजों को प्रसन्न किया जाता है। बता दें कि सभी तर्पणों को 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मानस तर्पण, दिव्य पितृतर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृतर्पण के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष का अपना धार्मिक महत्व है। अपने कल गुरु और अपने पिता और पूर्वजों के लिए लोग तर्पण करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। हर साल देवघर के शिव गंगा में तर्पण को लेकर पहले सुबह से ही भीड़ जम जाती है। ना सिर्फ देवघर बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ तर्पण के लिए आते हैं। कि पितरों को जो है मतलब जल दिया जाता है, जल पिलाया जाता है, जैसे कि जो पितृहीन होते हैं वो अपने पितरों को, ये पितृपक्ष जो होता है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और ये महालया के दिन अमावस्या वाले दिन ये खत्म होता है। इस बीच में पिंडदान और तर्पण, ये पार्वन श्राद्ध और तर्पण, ये दोनों चीज होते हैं। और ये कह सकते हैं कि जिस तिथि मतलब जिस तिथि में जिनकी मृत्यु होती है तो पितृपक्ष उस तिथि में वो पिंडदान करते हैं। और तर्पण जो होता है ये ऋषि तर्पण 18 दिन का होता है। ऋषि तर्पण मतलब पितृतर्पण 15 दिन का, 3 दिन ऋषि तर्पण होता है। तो 3 दिन ऋषि तर्पण करने के बाद 15 दिन जो है ये करते हैं आपका पितृतर्पण करते हैं। तो ये रोज होता है, ये सब करते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसका कोई इतिहास नहीं है, बहुत दिनों से। इसका प्रारंभ कैसे किया गया था? प्रारंभ कैसे है कि मतलब राम भगवान ने पहले ये किया था, राम ने किया था अपने दशरथ के लिए जो तर्पण किया था, तो पूरा तब से चली आ रही है, राम भगवान से ही चली आ रही है, उसी को निर्वाण आज तक। हाँ, ये आप आज तक चल रहा है, पिंडदान और तर्पण दोनों। पिंडदान जो है फल्गुन नदी में राम भगवान ने किया था। ये कितना जरूरी होता है? ये देखिए, जो पितृहीन है, जिनके पितृ नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा गया है कि पितर जो होता है, जब उनका पिंड जिस दिन उनको दिया जाता है, जो तिथि होती है, उस दिन वो आपके घर के द्वार पे आते हैं, अपने घर के द्वार पे जो जहाँ उनका घर होता है, और उनको अगर पिंड नहीं मिलता है तो बहुत निराश होकर जाते हैं। उनका जो होता है, कहते हैं ऐसे कि देवता से ज़्यादा पितर का श्राप और ये क्या कहते हैं आप आशीर्वाद, ये पितर का ज़्यादा ये होता है। तो पितर अगर निराश होकर चले गए तो उसका बहुत बुरा असर होता है। अपना शुभ नाम बताएंगे? हम रितेश मिश्रा।